बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर के निधन से न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में मौजूद उनके फैंस दुखी हैं। पाकिस्तान में भी बॉलीवुड फिल्मों और कलाकारों को खासा पसंद किया जाता रहा है। इससे पहले इरफान खान फिर ऋषि कपूर के निधन से पाकिस्तान के कई बड़े नामों ने शोक व्यक्त किया। ऋषि कपूर का पाकिस्तान से पुराना नाता रहा है। कपूर खानदान की हवेली अभी भी पेशावर में है। पेशावर का एक किस्सा, ख्वानी बाजार में कपूर हवेली स्थित है। ऋषि कपूर के दादा और महान अभिनेता पृथ्वीराज कपूर का जन्म इसी हवेली में हुआ था। इसी हवेली में पृथ्वीराज कपूर के बेटे राज कपूर का भी जन्म हुआ। इसे अब कपूर हवेली के नाम से जाना जाता है। साल 2018 में हवेली को म्यूजियम बना दिया गया। हवेली का निर्माण भारत पाक के बंटवारे से पहले साल 1918 से 1922 के बीच किया गया। पृथ्वीराज कपूर के पिता बशेश्वर नाथ ने इसे बनवाया था। बशेश्वरानाथ पेशे से सब इंस्पेक्टर थे। पृथ्वीराज उनके खानदान में पहले अभिनेता बने। करीब 40-50 कमरों वाली हवेली एक वक्त पर बेहद आलीशान दिखती थी। तस्वीरों में इसके रखरखाव की कमी साफ झलकती है। बता दें कि अभिनेता दिलीप कुमार का पुश्तैनी घर भी ख्वानी बाजार के पास ही है। दरअसल साल 2016 में ऋषि कपूर ने अपनी एक पुरानी तस्वीर शेयर करते हुए लिखा था कि वो पेशावर जाना चाहते हैं। एक उनकी तस्वीर भी वायरल हुई थी जिसमें वो पेशावर की हवेली में खड़े दिखाई दिए थे। 2017 के एक ट्वीट में ऋषि कपूर ने लिखा कि मैं 65 साल का हो चुका हूँ और मरने से पहले पाकिस्तान देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे अपनी जड़ें ज़रूर देखें और रणबीर जब भी वहाँ जाए तो उसे समझ में आए कि हमारी शुरुआत कहाँ से हुई थी। यही वजह है कि मरने से पहले एक बार ऋषि कपूर पाकिस्तान ज़रूर जाना चाहते थे। ANP न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।